गांव के रहने वाले हैं ज्यादा, तो वहाँ पे कुछ बाबे ऐसे होते हैं कुछ वो खिजे रहते हैं कि ये काम नहीं किया, फिर कहेंगे फलाना गाना गाता है चाचा या अब्बा या दादा या कोई भी। तो मेरा नाम भूखता था, मैंने कहा कि यार यहाँ पे ये करते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता कॉमेडियन अकरम उदास से मिलने गुलशन इकबाल पार्क पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? भाई ठीक है, बैठते हैं ठीक है ना? चले आए, थोड़ा 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 तेज हो जाए, ठीक हो जाएंगे आप। आए तेज करें तेज। नहीं, आपने तो दौड़े लगवानी शुरू कर दी अकरम साहब। मैं बड़े बड़े उन्हें दौड़ लगा। अकरम साहब, ऐसे आप इतनी दौड़ क्यों लगाते हैं? सेहत के लिए। तो सेहत तो आपकी माशाल्लाह ठीक है, और इन टांगों के साथ आप इतना भागते हैं? हाँ देख ले, आपको इन टांगों के साथ नहीं भागा जा रहा, आपसे देख ले हा? इतनी मोटी टांगों का क्या फायदा? क्या फायदा जो लेके भाग ही ना सके। अकरम साहब, आपके नाम के साथ उदास लगता है, लेकिन आप लोगों को हंसाते हैं? लोग खुद ही हंसते हैं, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं करता हंसने वाली, वो खुद ही पता नहीं क्यों हंसते हैं यार। नहीं, वैसे उदास क्यों लगाया आपने अपना नाम? मैंने सोचा यार वो नाम रखें जो पाकिस्तान में ना हो, ठीक है ना, वो इंडिया में कोई शायद एक आधा होगा, लेकिन पाकिस्तान में उदास नाम का बंदा नहीं कोई भी, लेकिन जितने भी आएंगे वो सब वो मेरी वजह से उन्होंने नाम रखे होंगे। मैंने सोचा कि यार अल्लाह जन्नत नसीब करे, तारक जो ऐसा मुझे पूछते थे यार ये शायर है कोई अदाकार है ये, ठीक है जी, तो आबद खान साहब ये पूछते थे जब मैं नया नया लाहौर में आया था, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, काफ़ी लोग ये तो सब ने जाना ही है, लेकिन वो बड़े जितने भी थे जब मिला नहीं करते थे, मिलने से पहले वो यही समझते कोई शायर आदमी है, कोई बंदा कोई शायर है जो इस फील्ड में आ गया। तो मैं भी कोई हंसने हंसाने वाली बात तो नहीं करता, कोशिश करता हूँ काम करूँ, तो काम करने की वजह से लोग हंसना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपका जो खानदान है राजपूत फैमिली से आपका ताल्लुक है, दुश्मनदार लोग हैं आप, तो ये फनकारों वाली लाइन आपने क्यों इंतखाब किया इसका? बचने के लिए दुश्मन। मैंने कहा यार इधर चले जाते हैं तो चलो बच जाएंगे, तो ये अच्छी फील्ड है, इसमें अदब बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है जितने भी बड़े हैं, अब तो खैर नए आने वाले नहीं इतना, लेकिन पहले जब मैं आया था उस वक्त बहुत ज़्यादा अदब था, कोई बड़ा आता था सब खड़े हो जाते थे, आज भी है, हम अब भी कर रहे हैं ऐसा ही काम, जब कोई बड़ा आता है तो हम खड़े हो जाते हैं, जितने भी लोग हैं जितने भी काम करने वाले हैं वो सब, इसमें बहुत कुछ सीखा जाता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और अच्छे वाला सीखने को मिलता है कि यार बड़ों का अदब कैसे करना है, मिलना कैसे है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसलिए इस फील्ड में ना कदम रखा। अच्छा, आप जब आए इस फील्ड में तो फिर किससे मुतासिर किससे थे, या किन फनकारों ने आपको बहुत सपोर्ट किया,
जिनके साथ आपने काम किया, और दूसरा ये बताएं कि आपने जो सर के बाल मुंडवाए हुए हैं इसकी क्या वजह है? बाल हैं नहीं या तो क्या इसका? नहीं, सवाल एक पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। आप एक मरतबा 3-4 सवाल पूछ लेते हैं। जब मैं मुतासर में सब अपने जितने भी सीनियर हैं बड़े, मैं उनका काम देखा करता था। काम यार मैं सोच भी नहीं सकता था कि इन लोगों के साथ काम करूँगा। वो बहुत अच्छा काम करते, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आज भी शेख अहमद साहब हैं, मस्ताना साहब थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। काफ़ी लोग हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जितने भी सीनियर थे हमारी, बहुत मानुल्लाह साहब बहुत बड़े लोग थे, हमारी अकेडमी थी, हम बहुत कुछ सीखते थे उनसे। तो शेख साहब से मैं ज़्यादा मुतासर था। वो काम बहुत अच्छा, करेक्टर में रह के काम बहुत अच्छा करते। तो मैं, मेरी कोशिश थी कि उनके साथ काम करूं। मैंने काम शुरू किया, जब मैंने पहला ड्रामा किया बड़ा मज़ा आएगा पार्ट टू, तो उसमें निकाह खां का रोल था, वो कब्रें निकालने वाला था, तो वो निकाह पढ़ाने के लिए आता। वो मैंने किया तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत पसंद किया। जब मैं पहले दिन आया तो मेरी टांगें कांप रही थी, घबराया हुआ था। जारी सी बात है, जिनको टीवी पे देखे आप उनके साथ खड़े होकर काम करें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ही बात करनी है, आप नए आए हो हमारी टीम से, टीम में तो आपने ये बात सोच के करनी है बेटा के सामने माँ बहन बैठी है, तो वो बात करनी है जो माँ बहन के सामने कर लो, आओ काम करें। उन्होंने काम शुरू कर दिया, वो जेन में थी बात, उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया। जब उन्होंने ये ड्रामे से दूर हटे, ड्रामे ऐसे आ गए, तो फिर हम उस लेवल पे नहीं थे कि हम भी छोड़ देते, हम छोटे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे बहुत ज़्यादा काम किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार किया, मानुल्ला साहब ने बहुत ज़्यादा प्यार किया, कवि खान साहब ने बहुत ज़्यादा प्यार किया। मेरी खुशकिस्मती थी कि इतनी बड़ी टीम के साथ पहला ड्रामा, चाहे एक एंट्री थी दो एंट्री, बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आएगा पार्ट टू, वो किया मैंने, तो वो बहुत मज़ा आया। उसके साथ मुझे अगला ड्रामा मिला, उसमें भी बहुत अच्छा। उसके बाद फिर चाचा टाइम, वो दूसरे काफ़ी ड्रामे, काली चादर, काली चादर पार्ट टू, काफ़ी ड्रामे ऐसे आए, तो बहुत अच्छे गए। वो 2-4 साल जो इकट्ठा काम किया ना, वो वापस नहीं आ सकता, वो दोबारा ऐसा ड्रामा नहीं हो सकता। मैं सोचता हूँ कि वो मेरी खुशकिस्मती थी कि वो 3-4 साल वो मैंने उनके साथ काम किया और थोड़ी बहुत पहचान बनी। तो काम तो ये ऐसा है कि हम सीख नहीं सकते, सारी ज़िंदगी भी करते रहेंगे तो ये काम सीख नहीं सकते, क्योंकि एक ड्रामा कर रहे हैं उसके बाद पता नहीं कौन सा करेक्टर आपने करना, तो वो सीखने को मिलेगा। आप अगर सीखते रहें, अगर आप कहें कि मैं बहुत सीख गया हूँ, ये मुकम्मल हो चुका है, बंदा मुकम्मल हो जाता है, काम मुकम्मल नहीं होता। अब आपने बालों की बात मैं आपसे करता हूँ जी। बाल मैंने पहले रखे हुए थे, एक ड्रामे में मैंने ना टिंड करवाई, वो सब कहने लगे यार आपको अच्छी लगती है आप रख लो, तो फिर कुछ बाल भी कम हो गए थे, ये किसी को नहीं बता रहा ये भी कम हो गए थे थोड़े से, तो मैंने करवा दिए। फिर वो अल्लाह ने इज्जत रख ली, मैंने बाल भी नहीं लगवाए और ना ही रखे, जो थे थोड़े से वो भी नहीं रखे मैंने। अकरम साहब, आपको कब पता चला कि आपको लोग पहचानना शुरू हो गए हैं, आपकी शनाख्त बन गई है, कौन से ड्रामे से? ड्रामे ये काली चादर थी, काली चादर पार्ट टू थी, फिर बड़ा मज़ा आएगा, उसमें लोगों का ध्यान पड़ गया कि यार ये कौन है बंदा जो काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद आर्टिस्टों ने प्यार जब करना शुरू किया मेरे साथ, तो वो जारी बात है बड़े आर्टिस्ट उनके साथ ही प्यार करते हैं जो काम वाला होता है, जिस जो काम अच्छा करता है, वो सब ने प्यार करना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने अब एक फिल्म की जो इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज हुई, कनाडा में भी, यूके में भी, पहले उसका पार्ट वन आया फिर पार्ट टू आया, उसमें आपका इंतखाब कैसे हुआ और उसमें सबसे ज्यादा आपका ही डायलॉग जो है वो मशहूर हुआ, क्या है? बूटा फिर कहते बूटा गाला कट। हाँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कौन से वाले पैक करवाए थे? दरमियान वाले अकरम भाई क्या हो गया तुम भाई? कहता नहीं तो इन्होंने भी कल तो टिंडा करवा के आना। अकरम भाई की पसंद है वैसे इनका वे ऑफ टॉक और जुगते, माशाल्लाह। इनकी जुगते आपको बड़ी जबरदस्त लगती है। अच्छा, कोई मुझे इनकी अच्छी जुगत बताएं। फिर कहते बूटा गाना काटता। वो
मैं इधर ही था, ये ठाकर साहब गए फिल्म करने के लिए, तो मेरा ख्याल कराची से महमूद असलम साहब, उन्होंने जाना था, उनका वीज़ा नहीं लगा। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार क्या करें, फिर उन्होंने पूछा ठाकर साहब से, ठाकर साहब ने कहा कि हाँ मेरे पास उनका नंबर है, उनको कहा कि मैं अभी फ़ोन करूँ। मैंने मुझे ठाकर साहब का फ़ोन आया, उसने कहा यार फिल्म करनी, मैंने कहा जी कर लेंगे, उसने कहा ये रोल है, मैंने कहा ठीक है। वहाँ गए, वहाँ जा कर बातचीत की, स्क्रिप्ट पढ़ा, सब ने देखा कि यार कोई ऐसी बात पाकिस्तान पे या मज़हब पे कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी, और केस था राकेश साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छी लिखी। फिर वो प्रोड्यूसर हैं कारज गिल साहब, वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पहले, वो आर्टिस्टों से भी ज़्यादा ब्रीक लोग, वो पहले देखते हैं, पढ़ते हैं, वह आँखें बंद कर लेते हैं स्टोरी, उसके जहन में फिल्म चल रही होती, स्टोरी सुन रहे हैं यार यहाँ पे ये नहीं होगा, वो खुद नहीं चाहते कि यार किसी मज़हब को टच करें, किसी मुल्क को टच करें, बस पंजाब पे खेलें, पंजाबियों पे खेलें। सही, वो बहुत अच्छा करते हैं। तो हमने भी वहाँ जा कर फिल्म की, वापस आए तो जब रिलीज़ हुई फिल्म, तो दूसरी फिल्म करने के लिए गए तो ये इधर नहीं लगी थी चल मेरा पुत, वो दूसरे पूरे वर्ल्ड में लगी, पाकिस्तान में नहीं लगी, पाकिस्तान नेट पे रिलीज हुई थी, तो लोगों ने इतनी देखी, इतना प्यार किया लोगों ने। जब वापस आए ना, हम टू करने चले गए तो वो नेट पे रिलीज हो गई, जब वापस आए, वापस आने के बाद एयरपोर्ट पे उतरे तो पता नहीं लोगों को क्या हुआ, वो डेढ़ घंटा लग गया गाड़ी तक जाने के लिए, बूटा आ गया, बूटा आ गया। ठाकर साहब मैं वापस, हम इकट्ठे थे, लोगों ने घेरा डाल लिया। ये नहीं अल्लाह, ये अल्लाह ताला को पता है किसको इज्जत देनी किसको जिल्लत देनी, ये उसके हाथ में। अच्छा करो सर, ये बूटा जो डायलॉग था ये बनाया आपने खुद या ये उन्होंने ही आपको डायरेक्टर को ऐसा दिया था, क्योंकि आपने जिस अंदाज में कहा है लगता है ये आपकी अपनी तख्लीक थी शायद। हाँ वो मैंने ना कुछ हम गांव के रहने वाले हैं ज्यादा, तो वहाँ पे कुछ बाबे ऐसे होते हैं कुछ ना, वो खिजे रहते हैं कि ये काम नहीं किया, फिर कहते फलाना गाला कटता है चाचा या अब्बा या दादा या कोई भी। तो मेरा नाम बूटा था, मैंने कहा कि यार यहाँ पे ये करते हैं कंटिन्यूटी रखते हैं, तो वो भी पहले सोच रहे थे यार ये क्या करना, पहले उन्होंने कहा कि ठीक है रख लें। जब वो फिल्म रिलीज हुई तो फिर उसके बाद पार्ट टू में वो उसके बाद ना उसने खुद लिखना शुरू कर दिया बूटा यार ये बात करो ये काम करो ये करो, फिर कहते बूटा गाला कट दे। अच्छा कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप पाकिस्तान से नासिर चुनौती इफ्तिखार ठाकुर साहब और आप गए पहला पार्ट करने, तो आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो जो उसमें स्टार थे वो पंजाबी फिल्मों के बड़े हिट स्टार हैं, तो उनका कैसा बिहेवियर था आपके साथ? नहीं नहीं बस एक दो दिन के बाद तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमें मिले, कोई उनमें स्टार पुणा नहीं था कुछ नहीं था, वो बड़े सादगी से हमें मिले। तो एक दो दिन के बाद तो ऐसा हो गया था कि बड़ी देर से हम काम कर रहे हैं, उसके बाद वो खुद पूछते थे यार वो नहीं आया, वो नहीं, चनेवटी साहब को ठाकर साहब को वो सब पूछते थे, अमरिंदर गिल साहब, वो एक उसमें गुरशब साहब थे, हरदीप गिल साहब थे, मतलब जितने भी थे कैमरा मैन दूसरे सारे, वो इतना प्यार करने लग गए कि जिस दिन वो हम फिल्म ख़त्म हुई जाने लगे तो सबकी आंखों में आंसू थे, यार आज फिर जुदाई पड़ने लगी। तो जब टू करने गए तो ऐसे लग रहा था हम वापस ही नहीं गए, उसी वक्त से इधर ही हैं। तो ये प्यार है, जितना भी बढ़ा लो किसी के साथ वो बढ़ जाएगा। अच्छा ऐसा कोई वाकया है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जो आपको बड़ा याद हो इस शूटिंग का, तो वाकई मजाया बात होगी? हो कोई काफ़ी थी ऐसी बातें, वो बहुत ज़्यादा थी। हम बैठे थे तो वो इमी विरक साहब आगे मिलने के लिए, वो भी बहुत बड़े स्टार हैं, उसने एक बात सुनानी शुरू कर दी। इधर से जब गए वो, जब ये 47 में लैदगी हुई, इधर से जब गए तो उसने बात सुनानी शुरू कर दी, कहते यार असी वो गए सी, मेरे बड़े दसते मेरी दादी ना छोटे जे हैं, तो वो उत्थों निकले पानी पीन गए ने, तो उन्हें काफिला चल गया, दादी मेरे उत्थे रह गए, फिर अगे फाटक बंद सी तो ट्रैफिक उन्होंने ना जी पिछों दादी नस के ट्रक के उत्ते बैठे गड्ड के उत्ते या ट्रक से, फिर उन्होंने कहा दादी मेरे उत्थे गए दादी,
तो मजाक कर लग पे मैं यार जे ते दादी ना होंगे तो अजय वाकया भी नहीं होना तो तुम भी नहीं तो आपस बहुत इंज लगा यार जिम्मे अपना पन नजर आ रहा है उन्होंने यार पता नहीं क्यों असी इन्नी देर क्यों नहीं मिले बंदा सोच भी नहीं सकता असी नहीं सोच सकते यार साढ़े व्डे दसते होंगे असं उधरों इंडिया चो आए इस तरह ये नफरत साढ़े उतले सतह से पाई इन्होंने बाकी साड़ी पब्लिक च या आवाम च साड़ी नफरत नहीं है साड़ा प्यार ही बहुत ज्यादा प्यार और तुसी इंशाल्लाह जिन्हें भी मिलोगे जिन्हें सरदार ने या जिन्हें पंजाबी ने उधर दे उन्होंने मिलोगे तो बहुत ज्यादा तुहानू लगेगा कि यार असी इन्नी देर पहले क्यों नहीं मिले बहुत अपनापन नजर आता तो किते होर चलिए बैठिए चल के चल अकरम साहब मुज़ाकरात में आप बड़ा तंजो मजाक करते हैं जो भी सेलेब्रिटी आती है बड़ी उनके साथ हंसी मजाक होता है कैसा एक्सपीरियंस रहता है? हाँ बहुत अच्छा लेकिन उसमें जो करने वाली बात होती है ना वो देखना पड़ता है कि अगले बंदे की इज्जत को फर्क ना पड़े वो बात करें जो बुरी भी ना लगे और सबको अच्छी भी लगे तो वो जिसको हो रही है उसको बुरी ना लगे उसमें अगले की इज्जत का ख्याल करना पड़ता है टीवी की इज्जत का ख्याल करना पड़ता है अपनी इज्जत का ख्याल करना पड़ता है तो बात बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती है उसमें। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन बाल इस्त्री क्यों किए हैं आप? क्योंकि आपके जो हुए हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कॉन्फिडेंस में हो तो अच्छे लग रहे हैं। मैं तुम्हें कहा ही ना अपनी चौधरी दी नजर ना वेखो किसी कुड़ी दी नजर ना वेखो। सुना कि आप सिविल जज भी बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह आई विल। ये तो बड़ा एक डाइवर्सिफाइड किस्म का इंटरेस्ट वो नहीं है कि एक तरफ एक्टर और दूसरी तरफ जज भी तो क्या एक्टिंग छोड़ देंगी तब? डिपेंड करता है अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। एक काम दसो जेड़ा करना मैं वो पूरा कर दिया औखा सौखा हो केड़ा करना चाहते हो? पता नहीं अभी जो किस्मत में होगा वही करूंगी। किस्मत से पूछ लो ना मुझे। अच्छा उसमें सबसे अच्छे किरदार आपको कौन से लगते हैं मुज़ाकरात अपने अलावा? सब अच्छे लगते हैं मैं ही अच्छा नहीं लगता सब अच्छे ही लगते हैं जितने भी हैं सारे वासे चौरी बहुत ज्यादा उनका काम होता है कि उसने सबको साथ लेके चलना होता है गेस्ट के साथ भी बात करनी होती है इधर से भी बात आ रही है इधर से भी उनको समेटना उसको जवाब देना हर बात का हर बंदे को। आपने आज क्या किया? क्या हुआ इतना खर्चा करने की वजह? क्या अपना हेयर स्टाइल? अच्छा चीर तो नहीं कटिया? वाह के थले बा के किसी ने कुहाड़ा मारे अठा। ये कहां से ला रहे हैं ये चीज़? अमीर आदमी है लोग कपड़े चेंज करते विकां करी जाता है। क्यों जाने सुन दे मेरे वाला मैं तेन टांगे वाले ने कहता सोने की हाल है तू पक्का ही हो गए मुझे पहचाना लेकिन आज आपका हेयर स्टाइल चेंज हुआ हुआ नहीं मैंने पहले टेंडी सी मैं जिधर जाता हाँ लोग कहते मियां साहब टिकट मैनू देना मैनू उसमें ठाकर साहब का बहुत अच्छा रोल है जिसमें वो थ्री करेक्टर कर रहे हैं हमारे साथ भी बैठे हैं उधर पुलिस वाले भी बने हैं फैबुलस भी बन के आते हैं। विक्रम साहब ऐसा कौन सा मेहमान था जिसके साथ आपको प्रोग्राम करने का बड़ा मजा आया और आप खुद भी उससे लुत्फंदोज होते रहे? वो जब अपने आते हैं ना आप मानव चंद साहब आ गए ऐसे जो है ये आपके हुसन से जलते हैं असल में। और क्या जेलस हैं ये लोग यार असल में ना शेर को ना अपनी ताकत का पता नहीं होता। अच्छा मुझे अपने हुसन की लिमिट का पता नहीं है। हमें गल बढ़ गई बस वैसे हस अक्रम उदास बड़ा एक्टर है जी बाहर फिल्मा बना के आंदा जी ये अपने जितने भी हैं जिनके साथ काम किया
उनको पता होता है कि यार इनको कहाँ से पकड़ना है, उनको भी पता होता है कभी वो पकड़ लेते हैं आते हमें कभी हम उनके साथ बातचीत कर लेते हैं, तो एक दूसरे को ज्यादा जानते हैं ना, इसलिए ज्यादा जरा मजा। अच्छा, ज्यादा आपने कहा कि फनकारों के साथ आपको मजा आता है, तो कई ऐसे सियासतदान भी हैं जो बड़ी अच्छी बड़ी बारीक बात करते हैं, उनमें किन से बड़े ऐसे हैं जी? चौरी सरवर साहब, उनके साथ बहुत मजा आता है। गवर्नर साहब के साथ? गवर्नर साहब के साथ। ये काम सारे चौरी साहब ठीक हो जाएंगे, लेकिन नाइया दी दुकाना खिला दो, मैनू बड़ी टेंशन। वैसे मैं तेरे सिर वाल देख के तेन टेंशन होनी भी चाहिए। गवर्नर साहब के अलावा और कौन आपको याद है किसके साथ? काफी लोग आए हैं, लेकिन ये पिछले दिनों में आए थे डॉक्टर राशिदा साहब, यास्मीन राशिद। लाहौर को आप जिंदा दलाल लाहौर तो कहते हैं, बेशक बेशक। बाकी बड़ी जिंदा कौम है, जो लाहौर में रहते हैं ना लोग, वो लाहौर के बाहर फिर रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लाहौर ये है शहजादे, उन्होंने खोते ने कुछ नहीं समझा, मुखालफ की उन्होंने। आजकल आपकी क्या मसरूफियत है? वो वाली जो फिल्म है बाहिर बन रही थी, इंटरनेशनल फिल्म थी, पंजाबी फिल्म, उसमें तो आपने काम कर लिया, इसके साथ अब क्या करते हैं? टीवी प्लेज भी करते हैं, मुजाकरात तो आपका है ही हर हफ्ते, उसकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, इसके अलावा नहीं? मुजाकरात में हमें यह है कि वो काफ़ी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कैसर भी है, वो बहुत अच्छा जा रहा है मुजाकरात में। क्या बात है, आज खैर तो है माशाल्लाह, आज मुजाकरा च अपने ढोल लेके आए। नहीं रेज़ और सोने लग रहे, एक बार किधर या नहीं रेज़ खलोते सब तो लोगों ने बम समझ के आग लाने। एक दिन कल ही रो रहे, मैं क्या करूं भाई की होया, कहते यार धुंध च कुछ पेड़ा मार गया पता नहीं लगा। की पता है, कभी ऑस्ट्रेलिया गए हो? पढ़े लिखे लोग इंज तो गैटअप करते हैं। इस बंदे ने पूछो ना कि ब्याह से जानते पूछो कुड़ी वालों के मुंडे वालों, नहीं जी टेंट मेरे लगे हैं। मैं एह गैटअप करके एक दिन इंग्लैंड फिरन लगा, उतों की क्वीन ने ना मैंने शादी की ऑफर की। कुर्ता पा के बच्चों को 500 रुपये देकर कहने मैं 200 डा कवो। तुम पसंद नहीं है गैटअप? नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आया। तुसी फिर तुसी कर लो ना, अपना इनाम दे दियो। नहीं नहीं, मैं नहीं एडे बुरे मैं नहीं पाने। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सर? ठीक है, और सब खैरियत है? कटिंग दस वाल तो है कौन नहीं, मैं कन्न कटवा के जाने थोड़े। जरा थोड़ा जा खूबसूरत कर दो, सोहना कर दो, जरा क्रीम श्रीम ला के जाना जरा रिकॉर्डिंग ते। हाँ, आप जितने मर्जी बड़े बॉलर से चले जाए आपको नहीं हो सकते। जुगतां कर रहे हैं आप? जुगतां कर रहे हैं, कर रहे हैं। चले जी कराएं जी, जरा भाई कोई क्रीम ते ला लो, खाली मुंह रगड़ी जाना। बहुत जोर दी गुण। हाथ आपके बहुत नरम है ना, काम ही आप ऐसा कर रहे हैं, कसाईयों का काम करते देखता कैसे नरम होते। की मुंह दे आटा जा मल के तो फिर हाथ दे, लेकिन सुखेगा तो जाने। Oh!
वो टिश्यू फिर गया यार। लो तड़ा दिल रख लेना मैं। जेल ला दे थोड़ी जेल ला दे हिलन ना। थैंक यू। अकरम साहब मतलब आप लंच और ब्रंच बड़ा सस्ता सा कर रहे हैं। नहीं 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 सर वेखो सही ना महीने दियां आखिरी डेटां चल रही हैं। अजे तनखावां जनावां नहीं ना मिलियां चैनलां है ना रेस तो जरा। नहीं वैसे चने आप शौक से खाते हैं? जो तुम खिला दिते फिर शौक नहीं खाने जी। वैसे खाने में आपको क्या पसंद है? खाना क्या शौक से खाते हैं? सब्जी दाल ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। गोश्त बहुत कम खाता हूँ, ज्यादा नहीं। और खुद भी खाना बना लेते हैं? नहीं खाना नहीं बना सकता। अच्छा बस अगर खुद बना लेता तो मैं आज घर से आपको खिलाता। आपको पता बच्चे गुजरा वाले होते हैं। हाँ। इधर मैं अकेला होता हूँ इसलिए सुबह उठता हूँ। हमारी सुबह भी तो 10-11 बजे 1 बजे होती है। जब उठता हूँ तो फिर वॉक शॉक करके तो बाहर से ही खाना, बाहर से तैयार होके जाना। तो फिर तो आज मुज़ाकरात में कौन गेस्ट आ रहे हैं आपके? जी वहाँ जाते हैं पता चल जाएगा। आप साथ ही हैं? हाँ। किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है आपकी? नहीं नहीं। तो फिर कोई भी हो आपको क्या, वहां जाके देखते हैं। अकरम उदास ने हमारे लिए चाय बनाई। सब आपका कौन से इलाके से ताल्लुक है? मैं गुजरांवाला कैंट का रहने वाला हूँ। रावली है एक छोटा सा गांव, साथ ही उसके गुजरांवाले के बिल्कुल साथ है, वहाँ का रहने वाला हूँ। उससे पहले मैं एक गांव था वांडो के पास, वहाँ से निकल आए हम, उधर आ गए, उधर से फिर आस्ता आस्ता मैं इस काम में पड़ गया। तो वो गाँव है कोई, मैं जिम्मेदारा करने वाला बंदा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि किसी ऑफिस में बैठा हुआ था तो इधर आ गया, या कोई मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था तो इधर आ गया। मैं जिम्मेदारा करता करता इधर आया। तो आप अच्छे खासे बड़े जिम्मेदार होंगे, जमीन काफ़ी होगी आपके पास? नहीं जमीन तो थी लेकिन अब नहीं है, कुछ बड़ों ने सेल छूल कर दी बस वो। अच्छा आप ये बताएं कि आप दुनिया के कौन कौन से ममालिक में गए हैं? जब पहली बार सफ़र किया मतलब एक गांव से आपने बताया आपका ताल्लुक है, जब बाहर आप गए तो क्या एक्साइटमेंट थी आपकी, क्या फील करते? मैंने पहली मर्तबा जब बाहर सफ़र किया तो मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं सोच रहा था कैसे जाना। मैं मुल्तान ना ड्रामा कर रहा था वहाँ पे, मैं सोच रहा था यार जैसे लोग जाएंगे वैसे मैं भी चला जाऊँ। मैं आगे गया तो मुल्तान जाना था, मैंने लाहौर एयरपोर्ट पर गया, वहाँ जा कर मैं यहाँ पर वो स्कैन बैग शैग रखते हैं तो बंदे ने मुझे इशारा किया कि इस तरफ,
उसने कहा कि बैग रख दें, तो मैं खुद उसके ऊपर चढ़ गया। वो कहने लगा यार पीछे आ जा। तो ये नहीं पता होता एक बात का, तो मैं नहीं कहता कि मैं बचपन से सफर कर रहा था या ऐसे, कि मैं सही आपको कह रहा हूँ कि मैं खुद ऊपर चढ़ा। तो उसने कहा हेलो हेलो भाई नीचे आ जाए, ये बैग रखे बस। तो मैंने वो रख दिया। फिर बाद में मैंने सोचा यार ये क्या भाई, ये क्या सोचेगा बंदा। इस वक्त जानते भी नहीं थे इतने लोग कि यार कौन है आप या कौन नहीं है। तो ये चलता ही रहता है। फिर मैंने सोचा कि यार एक मरतबा मैं अकेला सफर कर रहा था, तो फिर उस वक्त भी मैंने देख देख के बंदों को कि यार ये बंदा वो, मैंने जाना था यूके, तो वाया दुबई था। मैंने कहा यार ये कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं इस फ्लैट से उतर के दूसरी फ्लैट में जाना। तो मैंने दोस्ती रास्ते में ना पूछा बंदे को कहाँ के रहने वाले, उसने कहा यार मैं गुजरात का। तो वो उसके साथ मैंने चलना शुरू कर दिया। मैंने कहा कहाँ जाना, उसने कहा मैंने भी मैनचेस्टर जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसको पीछे पीछे उसके ना देख के जहाँ जहाँ वो गुजर रहा था वहाँ वहाँ, वो एक दो मरतबा बाथरूम में गया, मैं भी चला गया। मैंने कहा यार चले कोई बात नहीं। लेकिन उसको मैंने पता नहीं लगने दिया कि यार कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। हाँ फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि यार ये किधर जा रहा है, तो देखा तो आगे बाथरूम था, मैं भी चला गया पीछे। ये कितनी दिलचस्प बातें हैं और आपको आज भी याद है। याद है। मैं कह रहा हूँ कि बंदे को भूलना नहीं चाहिए, ऐसी बातें जो होती हैं वो भूलनी नहीं चाहिए। एक मरतबा मैं दोस्तों को मिलने गया, वहाँ पे कर रहे थे यूके में ड्रामा सेल साहब, सारी टीम सेल साहब भी लेके गए हमें। तो ड्रामा था काली चादर, वो करके ना तो मैं, दोस्त थे वहाँ पे, कल छुट्टी थी एक दिन मिला हमें रेस्ट करने के लिए। तो मैंने कहा चले यार दोस्तों को टाइम देते हैं। वो दोस्त आके ले गए मुझे वापसी पे। मैंने ना जी वो दोस्त कहने लगा कि, मैंने कहा यार मैं वो अंडरग्राउंड जो चलती है ना ट्रेन, मैंने उस पर सफ़र नहीं किया। तो कहने लगा कि वापसी में मैं उस पर छोड़ आता हूँ। मैंने कहा ठीक। उसने दो टिकटें ली। वहाँ पे टाइम होता है ना कि ट्रेन आई रुकी, लोग उतरे बैठे, उसका टाइम है, उसने टाइम पे दरवाजे बंद कर देने। तो मैं पाकिस्तान का ट्रेनें देखी हुई थी, मैं उतरा नीचे तो वो लोग उतर रहे थे, मैंने बैठना था, वो मेरे साथ वाला अंदर बैठ गया, दरवाजे बंद हो गए, मैं बाहर रह गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। फिर पीछे से ना एक ट्रेन और आई, वो चला गया, मैं उधर रह गया। खैर मेरे पास फोन भी नहीं था उस वक्त, तो कोई शय नहीं थी। मैंने कहा यार अब क्या बनेगा, इथरो जाना था, इथरो वो स्टेशन पर। अच्छा इथरो स्टेशन। तो मैं उतरा, मैं दूसरी ट्रेन आई पीछे से, वहां बैठ गया। तो मैंने लोगों के चेहरे की तरफ देखना शुरू किया कि यार कोई देसी बंदा नजर आए तो उससे पूछो, क्योंकि इंग्लिश तो बिल्कुल हानो था मैं। इंग्लिश भी नहीं आती थी। मैंने कहा यार कोई देसी सा बंदा नजर आए उससे पूछूं कि यार मैंने इथरो स्टेशन पे जाना है। खैर मैं उस वक्त ना वो ड्रामे दो चार रिलीज हो चुके थे मेरे ना, तो बाहर बहुत शौक से देखते हैं, नया ड्रामा जब आता है तो वो बहुत ज्यादा शौक से देखते। मैं जा रहा था, हेड पहना हुआ चुस्त कोट वगैरह लॉन्ग पहना हुआ था, तो मैं पूछ रहा था बंदों से, एक बंदे से मैंने पूछा जी यार पाकिस्तानी कहना नो। मैं चुप कर गया, मैं कहा हूँ इतना की गल करा। वो ना साथ ही ना मेरे वो सीट पे बैठे हुए थे बंदे पाकिस्तानी लड़के, वो कहने लगे अक्रम साहब। मैं कहा शुक्र है तुझे पहचान लिया। मैं मैनू मिले कहते इधर आओ तुम कितने फिर पहचाने नहीं जा रहे तुम से। वो ड्रामे दी गल्लां करन लग पए। मैंने पूछा यार मैंने इथरो स्टेशन पे जाना है। कहने लगे आप छोड़ दें चलो उतरे। मैंने कहा यार इतनी जल्दी तो आया ही नहीं है। घर नीचे गए, वो वहाँ पे बहुत प्यार करने वाले लोग, वो नीचे उतरे ले गए, वहाँ पे पेंट कोट लिए उन्होंने, दो गाड़ी निकाली अपनी, मुझे छोड़ के आए वहाँ पे। सेल साहब को कहते हैं ये बंदा आपका ना गुम हो गया था, हम ले के आए। मुज़ाकरात की रिकॉर्डिंग के लिए दुनिया न्यूज़ के हेड ऑफिस पहुंचे।
अकरम उदास साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है मुजाकरात में काम करने का? अकरम उदास साहब के साथ जी जितना मसलन के साथ मेरा पीरियड गुजरा है माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा है। ये मेरे मोस्ट सीनियर भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। और मुजाकरात में जब ये आने वाले थे ना तो मशवरा किया गया कि अकरम उदास साहब आ रहे हैं तो क्या करना है। तो ऐसे होता ना जैसे मैं आया मेरा पूछा गया तो मैंने एक लफ्ज़ बोला था इनके बारे में कि ये अकरम उदास साहब ऐसे इंसान हैं कि किसी की शोहरत से किसी की इज्जत से जेलस नहीं होते, तो ये हमारे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा फिट बैठेंगे, बहुत ही अच्छा रहेंगे। और माशाल्लाह 3-4 साल हो गए मैं काम करते मुजाकरात में, तो माशाल्लाह माशाल्लाह एक प्रोग्राम हमारा बड़ा अच्छा जा रहा है। एक मैं एक वाकया शेयर करना चाह रहा हूँ कि नया नामा जब मैं हिट हुआ ना फैसलाबाद में तो इनके साथ पहला ड्रामा किया, ये आए ड्रामा करने तो मैं इनकी टांगे वगैरह दोबारा इनकी खिदमत कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि यार मेरी दुआ है कि अब बहुत जल्द तुम गाड़ी ले लोगे। तो तकरीबन 1-2 माह बाद मैंने गाड़ी ले ली थी। तो उसके बाद फिर रहनमाई करते हैं बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं फिर जैसे मैं जूनियर हूँ इनका, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है मैं कह दूँ अकरम भाई ये कर लें तो वो कर लेते हैं, नहीं तो सीनियर ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं यार जूनियर ये हमें सिखाएगा अब ये करेगा बला बला बला। कैसर साहब मुजाकरात में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, खिला रहे हैं बहुत अच्छा, मुझसे की बातें बना के कह रहे हैं कि भाई जान ये कर लें ये कर लें। गवर्नर साहब ने मेरी ड्यूटी लाई घर विजिट करना की हो रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह तो लोग घर इंज बैठे ने जिम्मे पुलिस वाले साइकिल चोर नहीं पाते जमीन से आराम ना बह जाओ। यकीन कर लो कोरोना ने आवाम का वह हाल किया जो भाभी ने अकरम के सिर का नहीं किया, मतलब के बेड़े चट हुए पे ने यकीन कर लो। मैं घर विजिट किए ने बड़े मजे आए यकीन कर लो। हाँ जी खामत इस गल तो बीवी ने लड़न दिया मैंने तू जुआ क्यों नहीं वेखन दे रही जो तो काम ही होर कोई नहीं गा यकीन कर लो। ए अकरम भाई ए लोटे च बढ़ते ने टूटी निकल जाते टूटी च बढ़ते फिर लोटे चो निकल जाते जी मैं वायरिंग कर रहे हैं जी जी ये बड़ा मसला होंगे ना तुम्हें पता ही नहीं है। शुक्र करो बस भाई हम मजाकरा का प्रोग्राम हो रहा है, नहीं तो तुम भी घर बच्चों भा के कहना 2020 का सैगमेंट करिए एवं बच्चों पूछी जाना टाइटैनिक तो तू जाना कि तू जाना जी हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हाँ जी यहाँ पे जिन सीटों पर आप बैठे हैं माशाल्लाह आप इधर तो नहीं होते ना इधर तो ठाकर साहब ठाकर साहब तो ये कैसर भाई जो है ना ये बहुत अच्छा हिस्सा है इसका, इसमें बनाने का इसको यार अच्छा करने का ऐसे कर लें भाई जान ऐसे कर लें, हम एक दूसरे की बात मान के चलते हैं इसलिए ना आपस में झगड़ा होता है ना मजा ऐसा होता है कि यार एक दूसरे से जेलस। एक चीज़ भी मुझाद भाई जान आप भाई हैं एक चीज़ भी मुझे तकरीबन 4-4.5 साल प्रोग्राम में फिर हमारी टीम अयूब खावर साहब हो गए वासिफ चौधरी साहब ठाकुर साहब हो गए हैं मसलन हमारे हाशिम भाई हो गए हैं तो ये हमारी जितनी भी टीम है वो इतनी मोहब्बत करने वाली है और मैं ये कहता हूँ कि यार जब हम प्रोग्राम करते हैं ऐसा लगता है कि हम जन्नत में आ गए हैं तो इतनी मोहब्बत है वो एक दूसरे की मजबूरी को समझते हैं। तो ये प्रोग्राम तो अकरम भाई के आज शाम है तो मैं इनके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक इस तरह का इंसान सबको बनाए, प्यार करने वाला, बड़ों की इज्जत करते हैं, छोटों से ये प्यार करते हैं और मेरे ये सच में बड़े भाई हैं और मुझे बहुत ज़्यादा गाइड भी करते हैं। कैसा साहब जब कोई मेहमान आता है और जब आप उसको तंजो मजा उसके साथ करते हैं तो ये बातें सारी आपने पहले से तैयार की होती हैं आपने अकरम उदास नहीं या फिल्म दी होता है? नहीं ये फिल्म दी है, जैसे अभी आप हमारे पास आए हैं हमें नहीं पता आपने कौन सा क्वेश्चन करना है हमने कौन सा आंसर देना है, ये हमारा कुछ जो चीज़ है मसलन कि हमने शेर जो लिखा होता है बस या इंट्रो थोड़ा बहुत हमने सोचा होता है कि हम वासे भाई को ये करना है वो लोग पसंद करते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ है एक लफ्ज़ नहीं लिखा होता मुजाद भाई जान मसलन कि ये फिल्म दी है अल्लाह का कोई करम है अल्लाह का खास अल्लाह की रहमत है कि हम कर पा रहे हैं और दम 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 होता जा रहा है बस ये हम खुद नहीं कर पाते ये अल्लाह की रहमत है बस फिल बदी है कोई लिखा नहीं होता कोई कुछ नहीं होता। कोई अशार ऐसा जो आपको अकरम उदास साहब पे फिट बैठता हो कोई ऐसी चीज़ हमें सुना दे? मैं एक दम तो नहीं मुझे याद आएगा लेकिन फिर भी अकरम उदास साहब मेरे बड़े भाई इनके लिए एक शेर है कि मैं जदों भी घर जाना उत्थे पिया वड्डा मंजा है, जदों भी मैं घर जाना उत्थे पिया वड्डा मंजा है, साडा बूटा किड्डा सोहना गंजा है किड्डा सोहना गंजा सर ये क्या फिल्म दी है मुझे मसलन ये ना याद नहीं है शेर तो बहुत हम करते हैं आपके सामने या जो भी है तो ये माशाल्लाह मेरी जान है जिंद है और अल्लाह पाक इनको इसी तरह तरक्की दे इसी तरह ये सर्वाइव करते रहें और हमसे मोहब्बत करते रहें। ये इन्होंने एक जैसे ठाकुर साहब अकरम साहब ने एक पंजाबी फिल्म की थी हिंदुस्तान की मैं भी करने जा रहा हूँ तो बूटा इन्होंने लगाया ऐ मैं नहीं बूटा गालां कढ़ रहा बूटे ने गालां कढ़ियां तो गालां च बरकत पई है।